मार्टिन गप्टिल की कमजोरी क्या है उसकी बात कर लेते हैं। दरअसल उन्हें साइड आर्म बॉलर जो है वो परेशान करते हैं और अफगानिस्तान के नवीन उल हक यहां पर असरदार हो सकते हैं। लेग स्पिनर्स के खिलाफ भी कमजोर हैं, राशिद खान उन्हें परेशान कर सकते हैं। ये तमाम बड़ी बातें वहां पर है। नैन मुगिया साहब भी हमारे साथ हैं। नैन सर, आज आपके पास हम जाएं उससे पहले कुछ और ग्राफिक्स हमारे पास है। राशिद खान भी यहां परेशान कर सकते हैं। गौरव, मुझे लगता है कि ग्रुपों के जरिए दिखा दीजिए कि गप्टिल का इस वर्ल्ड कप में स्कोर क्या है। इसीलिए मैंने गप्टिल का जिक्र किया शुभांकर, क्योंकि बहुत धाकड़ खिलाड़ी हैं और अगर चल जाएं तो किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। लेकिन जरा इनका हम आपको आंकड़े दिखाते हैं। चार मैच 148 रन, स्ट्राइक रेट है इनका 133 का और औसत ठीक है 37 का इनका औसत है, जो किसी भी टीम को परेशानी में डाल सकता है। शुभांकर, अब आप जा सकते हैं अपने। बिल्कुल नयन सर, एक सवाल मेरा आपसे कि अफगानिस्तान के पास होने के लिए बहुत कुछ नहीं है, वो जीतेंगे तो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे में प्रेशर किस पर रहेगा, क्योंकि आपने शुरुआत की थी कि भारत और पाकिस्तान के मैच में बड़ा उलटफेर हुआ था और वहां प्रेशर ने कितना काम किया था वो हम सब ने देखा था। तो आज प्रेशर किस पर है, क्यों है, जरा समझाइए इसे सर। देखिए, प्रेशर तो न्यूजीलैंड पर ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह की उनकी आज परिस्थिति है न्यूजीलैंड की, और एक बेहतरीन स्पिनर के मुकाबले उनका मैच होना है। अफगानिस्तान नथिंग टू लूज एवरीथिंग टू गेन, और न्यूजीलैंड एवरीथिंग टू लूज नथिंग टू गेन फ्रॉम इस मैच में है, तो मेरे ख्याल से दबाव न्यूजीलैंड पर रहेगा। सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ, पिच की रिपोर्ट आ रही है और पिच रिपोर्ट ये कह रही है मनोज जी कि विकेट स्लो हो सकता है। ये वही सेम पिच है जिस पर ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज खेले हैं, क्रैक्स दिख रहे हैं और बैटिंग स्लो हो सकती है, और ये थर्ड मैच होगा जो इस ट्रैक पे खेला जाएगा। तो इससे आप क्या एनालिसिस करते हैं? यानी कि पूरी तैयारी है और क्यूरेटर को भी पता है कि अगर कुछ अजूबा करवाना है तो थोड़ा तो सपोर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा एलोबरेट कीजिए, कैसे, मतलब क्या तैयार? देखिए, क्योंकि ये एक होम ग्राउंड रह चुके हैं, अबू धाबी हुआ, दुबई हुआ, शारजा हुआ, ये इनके होम ग्राउंड हैं अफगानिस्तान के, और इनको मालूम है कि किस तरीके से विकेटें तैयार होती हैं। और अगर इस तरीके की विकेट है जहाँ स्लो बाउंस है, जहाँ पढ़ के ग्रिप हो सकता है कहीं, तो फिर बहुत एक बहुत बड़ा प्रेशर है न्यूजीलैंड के ऊपर अगर इस तरीके का विकेट तैयार होता है। और कहीं पहले बैटिंग आ जाती है अफगानिस्तान की और 140 भी बनाती है, तो ऐसी विकेट जहां स्पिन वो बस राइट एंगल पे तुरंत डिसाइड होने वाला, किसी भी क्षण टॉस हो सकता है, तुरंत अभी पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी ताकत जो न्यूजीलैंड की है गौरव, वो है केन विलियमसन। हम सभी जानते हैं कितने बड़े मैच विनर हैं, चार मैच में रन कम बनाए हैं, 86 रन है, स्ट्राइक रेट भी 100 का है, औसत 28 की है, लेकिन बहुत बड़े प्लेयर हैं, मैच विनर हैं और रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हो न्यूजीलैंड की, और स्पिन को बहुत शानदार खेलते हैं गौरव। बिल्कुल, वो तो अभी कह रहे थे निखिल कि कैसे वो एक ग्लू हैं जो पूरी बैटिंग ऑर्डर को जोड़कर रखते हैं। वैसे इस साल केन विलियमसन T20 में थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए हैं, आइए इस बारे में भी जानते हैं। 9 मैच की औसत में से उनके 168 रन उन्होंने बनाए, आइए आपको ये आंकड़े दिखाते हैं। 9 मैच में 21 की औसत से 168 रन बनाए हैं और ये अफगानिस्तान के पक्ष में जाता है। 4 मैच में दहाई का आंकड़ा भी केन विलियमसन पार नहीं कर पाए हैं। इस साल सिर्फ एक उन्होंने 50 मारी है, एक अर्धशतकीय पारी उन्होंने खेली है और यह अफगानिस्तान के पक्ष में जाता है।